नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात के कोतवाली भोगनीपुर मलासा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत गिरदो गांव से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खाकी ने मर्यादा को तार तार कर दिया है। और तो और, संवाद सूत्र की माने तो वोटरों को धमका कर गलत तरीके से एक पक्ष उम्मीदवार को जबरदस्ती वोट डलवा रहे थे। इस बीच इंडियन प्राइम न्यूज की टीम ने मौके वारदात पर पहुँच कर खाकी द्वारा किए जा रहे कारनामे को कैमरे में कैद किया। साथ ही वीडियो बनता देख पुलिस जवान ने पत्रकार के साथ बदसलूकी भी करी है। बदसलूकी के तत्पश्चात ही जनता की आवाज को पहुंचाने एवं जनता तक सच को पहुंचाने वाले ईमानदार पत्रकार की ईमानदारी से भयभीत होकर वीडियो डिलीट करने को लेकर मिन्नतें करने लगे। उसके तत्पश्चात ही पुलिस द्वारा की जा रही कारगुजारी को पर्दाफाश करते हुए भोगनीपुर क्षेत्र अधिकारी प्रभात कुमार के साथ साथ कानपुर देहात डीएम को भी काले कारनामे से पत्रकार द्वारा अवगत कराया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वोटिंग के दौरान पुलिस के काले कारनामे को देखकर अन्य उम्मीदवार ने पुलिस पर मिलीभगत के संगीन आरोप भी लगाए हैं। क्या मामला है? मैं प्रत्याशी हूँ सुरेंद्र। देखो महाराज, सभी भाग गया। जो हमारा एजेंट है, जो उसने बताया, मैं उसकी बात पर पूर्ण सहमत हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपके? यहाँ प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही है। लापरवाही नहीं, प्रशासन क्या कर रही है यहाँ पर? प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, आराम से सुन रही है। अच्छा, यहाँ पे जो गलत तरीके जो वोट डालने का मामला आप लोग बता रहे हैं, तो कहाँ तक ये सही, कहाँ तक गलत है? देखो, जो जो यहाँ पब्लिक देख रही है, हमारे कहने से नहीं, आप अन्य लोगों के कहने से आप सुन लीजिए। ये सत्य है जो बात उसने कही, हम इस बात पर एग्री करते हैं। और कहाँ के निवासी हैं आप? मैं ग्राम अकबर नगर का निवासी हूँ। मैं इधर पोलिंग बूथ में सुबह से हूँ और किसी अपना जो इधर इधर मैं जितने भी मतदाता के जितने भी अभियंता अभिवक्ता हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया गया है। 20 मीटर दूरी पर उनको रखा गया है और वोटर वो तो सीओ साहब ने मना किया हुआ है। उसके बाद उधर का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन और वोट डलवा रहा खड़े होके, वहाँ वोट डलवा रहा खड़े होके। उसके बाद बावजूद भी धांधली ऐसी चल रही है कि प्रत्याशी खुद वोट डाल रहा है उधर, दो दो आदमियों के साथ में खड़े हो। ऐसा कौन प्रत्याशी, क्या नाम है उसका? उसका नाम नाम आपके साथ में जो आपके सामने वीडियो है उसको आप देखो और उसको उससे आप बात करो। मैं प्रत्याशी का क्या नाम? प्रत्याशी का नाम उसमें आ जाएगा, करण सिंह नाम है उसमें प्रत्याशी का, आप देख लो, आपके पास वीडियो भी है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ भी काम नहीं कर रही, अपना अपना मोबाइल चला के और शांत अपना एक तरफ बैठी है। अगर ऑब्जेक्शन करो, अगर ज्यादा बोलो तो बोलते तुमको इसको अंदर डालो गाड़ी में। तो क्या माना जाए, प्रत्याशी की धांधली चल रही है? खुला 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 धांधली चल रही है, खुला धांधली चल रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसमें पुलिस की क्या अहम भूमिका है? अहम भूमिका पुलिस का जो काम है वो सही, कोई एक्शन नहीं है। तीन बार हमको धक्के मार के निकाला गया बूथ के अंदर से। हम यहाँ के एजेंट हैं, एजेंट को धक्के मार के निकाला गया तीन बार मेरे को धक्के मार के बाहर निकाला गया। हम एजेंट हैं, 20 मीटर दूरी मेरे को रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? जब एजेंट बनाया गया है तो एजेंट तो कहीं भी जा सकता है, कहीं नहीं जाने दिया जा रहा। इसलिए मना किया जा रहा है कि भाई उधर जाके ये लोग अपना जो जो आ रहे हैं सब ठीक ठाक हैं, एकदम बढ़िया से हैं, खूब चल फिर रहे हैं, सब कुछ दिखता है। और फिर भी वो लेके छह आदमी उसको पकड़ रहे हैं और वोट डलने के बाद में अंदर ही छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, आज चला आ रहा है। आज आपके साथ में जो भी घटना हुई है जी, क्या किस तरह की घटना हुई थी आपके साथ में? हमारे साथ में सुबह घटना हुई इस साइड में कि मैंने विरोध किया कि भाई एक एक लोग करके जाओ, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। एक प्रत्याशी के घर से भी उन्होंने क्या किया, जितनी भी औरतें आ रही, महिलाएं आ रही, उन महिलाओं को एक एक पकड़ के जाके वोट डला के बाहर छोड़ रही, फिर दूसरी को पकड़ रही है। यहाँ तक नहीं, एक दस बार आ रही, दस बार एक ही लड़की और दो ही लड़कियां ऐसे दस बार आ रही हैं कि भैया ये आके वोट डाल रही खुद अपने हाथ से और उसको आके वहीं छोड़ देती। वोट डालने के बाद तो वहीं छोड़ देते हैं।